गुड मॉर्निंग गाइस, नाइस टू मीट यू। आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट आपका ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में चैप्टर 2 से हम लोग वीडियो क्लिप आज 6 देखेंगे। वीडियो क्लिप 6 में छोटा सा कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। सबसे पहले वेलकम टू ऑनलाइन क्लास, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो यस, वीडियो क्लिप में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स के ऊपर डिस्कस किया गया था। आज हम लोग देखेंगे मेटलॉइड्स के बारे में, धातु के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट इज मेटल्स, सेकंड इज नॉन मेटल्स एंड अदर इज मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होता है? वैसा एलिमेंट जिसमें मेटल्स का और नॉन मेटल्स का दोनों का प्रॉपर्टी इंक्लूड हो, उसी को हम लोग जो है मेटलॉइड बोलते हैं। धातु कहते हैं, बताया गया कि एलिमेंट्स वी शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वैसा एलिमेंट जो क्या शो करता है, क्या दिखाता है? जो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को शो करता है और सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को शो करता है, उसी को हम लोग जो है मेटलॉइड बोलते हैं। एग्जाम्पल में ब्रोन आपका ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी को शो करता है। सिलिकन ये भी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी को शो करता है। जर्मेनियम ये भी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, इटीसी ये सब के सब जो है मेटलॉइड्स हैं उस धातु में। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका है मिक्सचर। मिश्रण के बारे में हम लोग सीखते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम अदर नेम जो है मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है? तो बताया गया कि मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। मिक्सचर जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व एलिमेंट और दो या दो से अधिक कंपाउंड जो है नॉन केमिकली कंबाइंड, जो केमिकली कंबाइंड जो है एक साथ नहीं होते हैं, मिले हुए नहीं रहते हैं और फिजिकली कंबाइंड होते हैं, उसी को हम जो है मिक्सचर बोलते हैं। नोट बताया गया कि ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर, जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब के सब आपका जो है मिक्सचर के अंतर्गत आते हैं। एक और नोट बताया गया कि द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नोन एज कंस्टिट्यूट्स ऑफ द मिक्सचर। अनेकों सब्सटेंस जो मिक्सचर में मौजूद रहते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग कंस्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर के नाम से जानते हैं या उसी को हम लोग कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर का जहाँ तक सवाल है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। पहला होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा आपका होता है हेटरोजेनियस मिक्सचर। तो होमवर्क में आप लोग जो है क्या करेंगे, इसको घर से टू अंडरस्टैंड करके आएंगे और प्रीवियस वीडियो क्लिप में जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन तमाम टॉपिकों को भी आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल विद थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।